खबर बोकारो से है, जहां एक पति ने आपसी विवाद के कारण पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि आपसी विवाद के कारण दोनों में झगड़े होते थे, जिससे तंग आकर पति ने पत्नी की कमरे में गला दबाकर हत्या कर दिया और कमरे के दरवाजे में ताला लगाकर फरार हो गया। जिसके बाद इसकी जानकारी बेटों को मिली, वही बेटे ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची चास थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। टेस्ट रूम में सुबह मम्मी को कॉल आया था आंटी लोग का कि मम्मी कहाँ है, मम्मी से बात कराओ। तो मेरा भाई गया गेट खोलने, बोला रूम ठकठकाया, कोई नहीं, रिस्पांस नहीं आया। तो हम भी फिर गए तो देखे कि गेट अंदर से लॉक था, उसको धक्का मारे वो नहीं खुल रहा था। बाहर से फिर घूम के हम उसको बोले कि बाहर से जाके चेक करो क्या है, तो उस दिन वो जो बाहर वाला गेट है उसमें ताला मारा हुआ था, उसमें जो ये, तो हम लोग वो उसको तोड़ने का कोशिश किया लेकिन वो उस समय से नहीं टूटा। फिर हम लोग दोनों अंदर से तोड़ने का कोशिश किए तो वो नहीं खुला। फिर हम स्क्रू ड्राइवर से बाहर वाला ताला खोले हैं, उसके बाद हम देखे हैं कि मम्मी डेथ पड़ी हुई थी। और पापा कहाँ हैं? पापा सर नहीं है, पता नहीं सर, भाग गए। पापा क्या करते हैं? पापा रानी सती दुकान में काम करते हैं। क्या नाम है? विपिन कुमार। पहले होते रहता था। किस बात को लेकर होता है, किस बात को लेकर ज्यादा? मम्मी का इधर उधर जाना पसंद नहीं था, मम्मी का फ्रेंडशिप नहीं पसंद था उनको। मम्मी कुछ करती थी क्या? नहीं, मम्मी घर में सिलाई करती है। तो अब आ लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। मम्मी भी आप यहाँ पर आए तो क्या देखे? क्या देखे? एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है बेड पे। उनके बच्चे के अकॉर्डिंग कहना है कि उसके पिताजी मार कर भाग गए हैं। अब हम लोग कुछ अभी नहीं बोल सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता। रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। क्या हत्या या क्या है? अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, कैसे बोल सकते हैं? तो क्या देखे? देखिए, हम लोग जो देखे हैं इसके फैमिली के अकॉर्डिंग तो वही है कि मारकर पिताजी चले गए हैं, लेकिन हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते। पिता का नाम विपिन कुमार है। हाँ, फरार है वो। सुबह ही उसके फैमिली के अकॉर्डिंग ताला लगा कर वो चला गया है। कोई नाजायज संबंध वगैरह इस तरह का? वैसा कुछ नहीं। सोए हुए थे इस रूम में।